hi good afternoon students uh, we have done uh, theme of pride and prejudice then two important characters elizabeth character and darcy's character we have done now we'll do some short questions so i have made a video of a, a small question very short question like द थिंग इज एक्सप्लेन वाई ओस्टन जेन ओस्टन जो नावलिस्ट है वाई एक्सप्लेन वाई ओस्टन एंडज हर नॉवल विद अ लाइन अबाउट द गार्डिनर्स गार्डिनर्स इवन दो दे आर माइनर कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रजुडाइज द आस्किंग ये बताओ कि जो ओस्टन है जेन ओस्टन है उसने अपना जो नॉवल है वो गार्डिनर्स से क्यों खत्म किया है जबकि गार्डिनर्स का कैरेक्टर तो माइनर है बिल्कुल मेजर कैरेक्टर तो एलिजाबेथ और डार्सी का है लेकिन गार्डिनर्स का तो बिल्कुल ही माइनर कैरेक्टर है फिर उनके साथ लास्ट वेल्थ लाइन क्यों खत्म की है तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है द गार्डिनर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर मिडिल क्लास कपल है ना आपको पता होगा गार्डिनर्स के बारे में जो गार्डिनर्स मिस्टर गार्डिनर है वो मिसिज बैनेट का ब्रदर है ठीक है मिसिज uh, बैनेट है जो एलिजाबेथ uh, की मदर उसका ब्रदर कौन है मिस्टर गार्डिनर मिस्टर गार्डनर की वाइफ है मिसेस गार्डिनर सो द गार्डिनर्स आर इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर मिडिल क्लास कपल वो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं दैट बिहेव रिजनेबली एंड वर्चुअसली मतलब कहाँ कब बिहेव करना है और किस तरीके से बिहेव करना है दे नो वेरी वेल मिसिस गार्डिनर इज़ अ ग्रेट रोल मिसिस गार्डिनर का रोल काफ़ी ग्रेट है क्योंकि मॉडल फॉर एलिज़ाबेथ वो एक ग्रेट रोल मॉडल है एलिज़ाबेथ के लिए दो शी रिवील्स लिटिल यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ हर ओन जबकि जो मिसिस गार्डिनर है उसकी पर्सनालिटी यूनिक मतलब डिफरेंट बड़ी अजीब ओल्ड या सबसे डिफरेंट पर्सनालिटी है जो उसकी वो काफ़ी कम दिखाई गई है रिवील की गई है दिखाई गई है पर फिर भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिस्टर गार्डिनर प्रूव्स टू बी एन इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग लीडिया फ्रॉम हर स्कैंडलस अलॉटमेंट इवन जो मिस्टर गार्डिनर है वो एक इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्प करते हैं सेव करने में लीडिया को एक जो वो अलोपमेंट का सीन हमने देखा है वो विकम के साथ भाग जाती है तो उस सीन में या उस सिचुएशन में हमें पता है कि डार्सी भी हेल्प करता है तो जो मिस्टर गार्डिनर है ये भी उसकी आ, उस सिचुएशन को मैरिज में बदलने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं दे बोथ एक्नोलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास एंड एजुकेशन गार्डिनर मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डेनर दोनों को पता है कि जो क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है बट प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनल कंडक्ट पर वो ज़्यादा जो झुकाव है या ज़्यादा प्रेशर किस पर डाल रहे हैं पर्सनल कंडक्ट पर पर्सनल नेचर पर एटिकेड्स मैनर्स पर वो ज़्यादा अपना प्रभाव डाल रहे हैं उसका उसको ज़्यादा दिखा रहे हैं द गार्डिनर ऑल्सो एक्सटर्नलाइज डारसेज इनर स्ट्रगल एक्सटर्नलाइज होता है जो चीज़ हमें बाहर दिखा देते हैं इंटरनलाइज होता है जो चीज़ हम अंदर ही रखते हैं सो so, जो तो गा, जो गार्डिनर है ऑल्सो एक्सटर्नलाइज वो क्या करते हैं जो डारसी की इनर अंदर की जो लड़ाई है उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं बाहर दिखाते हैं वेन डारसी ट्रीट्स द गार्डिनर वेल एट पैम्बरली हम हमें पता है कि जो एलिजाबेथ है वो गार्डिनर के पास जाती है कुछ टाइम थोड़ा अपना छुट्टियाँ बिताने या अपना टाइम उसका जो मुश्किल चल रहा होता है उसे सही करने तो वहां पे डार्सी भी होता है जब डार्सी गार्डिनर को वेल ट्रीट करता है पेम्बरले में जो जिसका मालिक है डार्सी एंड देन लेटर वर्क्स विद मिस्टर गार्डिनर टू रेस्क्यू लीडिया उसके बाद वो मिस्टर गार्डिनर के साथ को हेल्प करता है या उसके साथ मदद करता है लीडिया को रेस्क्यू uh, करने में बचाने में विक्रम से इट इंडिकेट्स दैट ही हैज इंटरनालाइज्ड एलिजाबेथ्स व्यू ऑफ पर्सनालिटी एंड क्लास तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि उसने जो एलिज़ाबेथ के व्यूज़ है या एलिजाबेथ की जो पर्सनालिटी है एलिजाबेथ की जो क्लास है उसको इंटरलाइज किया हुआ है उसे अपने अंदर आ, मतलब डाल लिया है कि एलिजाबेथ है वो इस क्लास की है ये पर्सनालिटी है उस वे व्यू से वो लीडिया को रेस्क्यू करती हैं द नावल दर्ज एंडस ऑन द गार्डिनर बिकॉज इज़ ऑफर अ फाइनल एलिस्ट्रेशन जो नावल है एंड किससे होता है गार्डिनर पे होता है क्योंकि ये फ़ाइनल uh, जो एग्ज़ाम्पल है उसको दिखाते हैं दैट एलिज़ाबेथ एंड डार्सी हैव रीच्ड अ हैप्पी मीडियम बिटवीन इससे क्या पता चलता है कि जो एलिज़ाबेथ है और डार्सी है वो कहाँ पहुँच जाते हैं एक हैप्पी मीडियम उनके उनका एक रास्ता है वो हैप्पी बन जाता है कैसे जो क्लास और बिहेवियर हमने देखा है uh, एक डिफरेंस था डार्सी और एलिजाबेथ में डार्सी अमीर क्लास को बिलोंग करता है और एलिजाबेथ पुअर को बिलोंग करती है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं एंड बिहेवियर बियॉन्ड द बैरियर डार्सी के साथ दिखाई गई, uh, गई है ये सारी चीजों के जो बैरियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और वो एक हैप्पी एंडिंग पे पहुंच जाते हैं सो गार्डिनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइज थैंक यू